फ्रेंड, अगर आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब सर्च में नहीं आ रहा है और साथ ही साथ आपने उसे गूगल पे भी सर्च करके देख रखा है, आप जब भी अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर डालकर सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका चैनल वहाँ पे सर्च में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका वहाँ पर चैनल सर्च में आना चाहिए। और साथ ही फ्रेंड, जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम यूट्यूब पर डालकर सर्च करते हैं, साथ ही आप वहाँ पर देखते हैं कि जो भी आपके यूट्यूब चैनल का नाम है उससे रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स तो आते हैं, लेकिन आपका वहाँ पर चैनल का नाम कहीं भी नहीं दिखता है। और आपने साथ साथ अपने वीडियो के नाम से भी अपना यूट्यूब चैनल सर्च किया है, उसके बावजूद भी आपका जो चैनल वो सर्च में नहीं आ रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे चैनलों की लिस्ट आपको दिख जाती है, लेकिन आपने काफ़ी तरीके आजमा लिए हैं। और साथ ही आपने क्या किया है, साथ ही आपने यहाँ पर अपना जो YouTube चैनल का कस्टम URL भी क्रिएट करके देखा होगा और वो भी क्रिएट कर रखा है, उसके बावजूद भी जो आपका YouTube चैनल है वो सच में नहीं आ रहा है। साथ ही फ्रेंड, आपके चैनल का जो कस्टम URL है आपने उसका लिंक पूरी तरह से कॉपी करके और गूगल पे भी सर्च करके देखा होगा, उसके बावजूद भी आपका चैनल सच में नहीं आ रहा है। साथ ही आपने उसे यूट्यूब पर भी सर्च करके देखा, उसके बावजूद भी सच में नहीं आ रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपका चैनल सच में नहीं आ रहा है? साथ ही आपने वहाँ पर कस्टम URL भी क्रिएट कर लिया है, आप जब भी सर्च करते हैं तो आपके चैनल के अलावा बहुत सारे चैनल आते हैं लेकिन आपका चैनल नहीं आता है। तो फ्रेंड, आप किस तरह से इस प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं आज सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं जल्दी से एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं अपना जो यूट्यूब स्टूडियो है उसे कंप्यूटर डेस्कटॉप उसे जल्दी से यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं यूट्यूब स्टूडियो पर। तो आपको भी आ जाना है और यहाँ पर फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चैनल है, तो फ्रेंड जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर 168 सब्सक्राइब हो चुके हैं और इस चैनल का मैंने कस्टम URL भी क्रिएट कर लिया है, तो जो कि यहाँ पर 100 सब्सक्राइब के बाद होता है। कस्टम URL कैसे क्रिएट करते हैं, अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा तो इसको, तो फ्रेंड आपको नहीं पता कि यहाँ पर कस्टम URL कैसे क्रिएट करते हैं 100 सब्सक्राइबर होने के बाद, तो इसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से कस्टम URL क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसका कस्टम URL क्रिएट कर लिया, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद भी ये चैनल सच में नहीं आ रहा है यहाँ पर, चाहे नाम से सर्च करो या पूरा URL डाल के करो। तो फ्रेंड, इस चैनल का जो कस्टम URL मैंने यहाँ पर क्रिएट कर चुका है, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहले इसका ये था जब तक क्रिएट नहीं किया था, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो कस्टम URL इस तरह से बन चुका है। तो फ्रेंड, मैं इसको जब भी डाल के यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये सच में नहीं आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि ये जो आपको कस्टम URL दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरह से सर्च करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि ये सच में नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं चैनल को सर्च कर लेता हूँ, जो भी चैनल का नाम है। तो जैसे कि फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये जो चैनल है तो इसका मैं जब भी यहाँ पर नाम डालता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे चैनल का नाम है जो कि मैं यहाँ पर डालता हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पर सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद फ्रेंड, जब भी मैं ये चैनल का नाम सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इसके अलावा अदर्स चैनल आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएंगे और वीडियोज़ वगैरह भी आ जाते हैं चैनल का, लेकिन मेरा जो चैनल है वो दूर दूर तक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ भी मैं जब भी सर्च में इसे डालता हूँ, और चाहे मैं इस तरह से डालूँ या कई बार क्या होता है हम जब भी चैनल का नाम एकदम विदाउट स्पेस के भी डालकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर सच में आ जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं आता है, जबकि इस चैनल का कम्प्लीट SEO हो रखा है। और फ्रेंड, यहाँ पर कंप्लीट सारी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैंने कर रखी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आप जैसे कि देखेंगे, यहाँ के अलावा आपको टेक्निकल के बहुत सारे चैनल यहाँ पर सर्च में आ जाएंगे, लिस्ट में बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, लेकिन उस जो मेरा मेन चैनल है उस चैनल का आपको दूर दूर तक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे चैनल आ चुके हैं जो कि इस तरह से मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ। तो कुछ पहली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर सर्च में यूट्यूब पर जब सर्च करता हूँ तब नहीं आता है, चाहे मैं किसी भी तरह से यहाँ पर डाल के देख लूँ। तो मैंने यहाँ पर जो भी कस्टम URL डाल रखा है उसके तरह भी यहाँ पर मैं डाल के देख लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। बाकी अलावा बहुत सारे चैनल दिखा रहा है लिस्ट में, जो मेरा मेन चैनल है वो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से नहीं आ रहा है, ये मेरे दूसरे चैनल का वीडियोज है जो कि यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मेरा इस चैनल का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका URL है एक बार उसे भी मैं डालकर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, कस्टम URL डाल के भी आप सर्च करते हैं तो इस तरह से नहीं आता है। तो यहाँ पर www.youtube.com/technical-gyan, ठीक है। अब जो मैंने इसका कस्टम URL क्रिएट कर रखा है पूरा, वो भी डाल के मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, और इस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर चैनल
नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर अदर वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी टेक्निकल ज्ञान है यहाँ पर और भी चैनल यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा चैनल है वो दूर दूर तक आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मेरे चैनल का कुछ लोगो इस तरह से है, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सेम इस तरह का जो चैनल है कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ना उसका कोई वीडियो जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स है या अदर्स कोई भी मेरे चैनल को पूछता है, सर्च करता है, तो कस्टमर जो मैंने बता रखा उसके डालने के बावजूद भी नहीं आता है, जबकि वो पूरा इस तरह से डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, जबकि कोई आपका चैनल आप बताते हैं तो वो सिर्फ नाम डाले उसके बाद यहाँ पर सर्च में आ जाए। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक सेकंड चैनल है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आप नाम डालेंगे उसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पर सर्च में आ जाएगा, जैसे कि सुमेंद्र मौर्य, ठीक है फ्रेंड। ये जो मेरा चैनल है, दूसरा चैनल है, इसको जैसे ही आप खाली टाइप करेंगे नाम, और डायरेक्ट यहाँ पर आपको फर्स्ट में आज के दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ वीडियो भी आपको दिख जाएंगे टॉप में। तो इस तरह से जो है मेन चैनल आपका कोई भी चैनल है, आपका जो चैनल है उसका यूआरएल की जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व तो करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो भी आपका चैनल का नाम है वो डालने के बाद तुरंत ही यहाँ पर सच में इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। एक या दो है तो यहाँ पर आना जरूर चाहिए, आपका बिल्कुल नहीं आ रहा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इस चैनल के साथ है। तो इस प्रॉब्लम को अब मैं दूसरी तरह से भी देख लेता हूँ फ्रेंड, दो तरीके की हो गई, अब तीसरी तरह से हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर वही सेम यूआरएल यहाँ पर से उठाता हूँ इसी चैनल का, और इसे पहले हम कंप्लीट यूआरएल को सर्च करते हैं गूगल पर, ठीक है फ्रेंड। अब तो हमने यूट्यूब पर मैंने देख लिया क्योंकि यूट्यूब का चैनल है, अब उसके अलावा हम गूगल पे भी देखते हैं। तो गूगल पे भी मैं डालता हूँ यहाँ पर, सर्च करने के बाद फ्रेंड इस तरह से ये खुल जाता है। लेकिन ये जो चैनल है किसी ने, लेकिन ये चैनल क्यों खुल रहा है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको बता दूं, तो दूसरी तरह से एक बार और सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपने चैनल का नाम डालता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है, और यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पर अदर्स दो चैनल खुलेंगे, या टेक्नोलॉजी ज्ञान है और बहुत सारे खुल रहे हैं चैनल, ठीक है फ्रेंड। टेक्निकल ज्ञान के नाम से यहाँ पर नहीं खुल रहा है, तो टेक्नोलॉजी ज्ञान वगैरह बहुत से अलग अलग के दिखाते हैं। तो विदाउट स्पेस के भी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर मैं सर्च करके दिखाया, तो यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान, अभी मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। जा रहे हैं लेकिन मेरा जो मेन चैनल है यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा इस तरह से, और चैनल खुल रहे हैं लेकिन मेरा चैनल यहाँ पर नहीं खुल रहा है। तो ऐसे ही मैं एक और भी कोई दूसरा चैनल खोल के देखता हूँ, तो वहाँ भी मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ और चैनल खुल रहा है लेकिन मेरा चैनल यहाँ पर नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि यहाँ पर इस तरह से लिस्टेड दिख रहे हैं लेकिन मेरा चैनल का नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि कस्टम यूआरएल भी क्रिएट करके उस तरह से भी यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो इस तरह से भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। और जो मैंने आपको बताया कंप्लीट यहाँ पर जब भी मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कंप्लीट कस्टम यूआरएल डाल रहा हूँ उसके बाद डायरेक्ट यह चैनल खुल जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड, इसका कस्टम यूआरएल। तो ये जो कस्टम यूआरएल यहाँ पर क्यों दिख रहा है फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपका चैनल है वो सच में नहीं आ रहा है, ना यूट्यूब पर आ रहा है आपका चैनल, जो कि जैसे कि ये मेरा चैनल है, इसे ना यूट्यूब पर सर्च हो रहा है ना कि यहाँ पर ये गूगल के सर्च में आ रहा है, जबकि इसका कस्टम यूआरएल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ, पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जो भी आप कस्टम यूआरएल क्रिएट करते हैं तो पहली बात तो उसमें जब तक आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका वो चैनल है कस्टम यूआरएल आप नहीं बना सकते, ठीक है फ्रेंड। आप कस्टम यूआरएल आपने बना लिया तो वो सच में क्यों नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड सबसे पहला सलूशन आपको मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड जो भी आपका जो चैनल है, या तो आपने अभी तक अपने चैनल का कस्टम यूआरएल क्रिएट नहीं किया है, नहीं बनाया है, तो आपको बना लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप नए होते हैं यूट्यूब पर और आपने अभी तक आपके 100 सब्सक्राइब भी हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक आपने अपना कस्टम यूआरएल नहीं बनाया है। तो फ्रेंड अगर आपने नहीं बनाया है तो उसका वीडियो को जैसे मैंने बताया आपको लिंक ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड यही है, सबसे पहले आपको अपना कस्टम यूआरएल जरूर बना लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कस्टम यूआरएल बना लिया है उसके बावजूद भी आपका चैनल जो सच में नहीं आ रहा है, तो दूसरा सलूशन मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जो भी आपने कस्टम यूआरएल बनाया है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मैं अपने चैनल को यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और वो नहीं आ रहा है, दूसरा चैनल यहाँ पर खुल जा रहा है। तो दूसरा सलूशन ये है फ्रेंड, यहाँ पर जो भी आपने कस्टम यूआरएल बना लिया है और बना लिया है तो वो कस्टम यूआरएल आपने बनाया तो है, लेकिन जो कस्टम यूआरएल आपने वहाँ पर लिया है उस कस्टम यूआरएल को ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, मतलब सेम नाम से। तो जैसे कि मैंने बताया ये मेरा सच में नहीं आ रहा है टेक्निकल ज्ञान, मेरा भी चैनल का नाम सेम है, जबकि
इस चैनल के नाम से ऑलरेडी किसी ने यहाँ पर पहले से ही कस्टम URL ले रखा है, बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पर जो मेरा चैनल है वो सच में नहीं आ रहा है। मेरे चैनल के बजाय जब भी मैं कस्टम URL पूरा डालता हूँ यहाँ पर, तो और किसी का चैनल यहाँ पर खुल जाता है। तो मैंने यहाँ पर तीसरा सोल्यूशन बताने से पहले, यहाँ पर आपने दो चीज़ें तो कर ली, आपने अपना कस्टम URL भी बना लिया, और कस्टम URL बनाने के बाद भी आपका चैनल सच में नहीं आ रहा है, तो जो आपने कस्टम URL लिया है वो और दूसरे के सेम नाम से लिया है, मतलब आपके अलावा वो कस्टम URL है वो किसी और ने ले रखा है, इसलिए आपका नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर तीसरा सोल्यूशन ये है कि जो आपने कस्टम URL लिया है वो सेम नाम से दूसरा भी है। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है फ्रेंड, जो भी आपका चैनल है आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, या का आपका जो कस्टमाइजेशन में जाएंगे और यहाँ पर बेसिक इन्फो पे आने के बाद आपका जो भी चैनल का कस्टम URL है, जैसे कि टेक्निकल ज्ञान है, तो उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके अलावा यहाँ पर आगे की तरफ, ठीक है फ्रेंड, जो भी कस्टम URL बना रखा है आपको सबसे पहले यहाँ पर डिलीट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता डिलीट करके कैसे बनाते हैं तो उसका भी आपका लिंक मेरे ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो कि कस्टम URL है उसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद फ्रेंड क्या करना है, आपको दोबारा से क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट करने के बाद क्या है, जो आपका चैनल का नाम है उसके आगे आपको कोई लेटर या कोई नंबर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे पब्लिश कर लेना है। पब्लिश करने के बाद आपका जो न्यू कस्टम URL है वो बन जाएगा, उसके बाद आपका चैनल यहाँ पर सच में आने लगेगा। तो लेकिन अगर आपका इसके बावजूद भी यहाँ पर सच में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपका चौथा यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वो सोल्यूशन फ्रेंड यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, तो जो चौथा सोल्यूशन वो ये है कि आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम चेंज करना होगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रेंड आपके चैनल के नाम के जैसे बहुत सारे चैनल हैं, जिसका ये कारण है कि उन लोगों ने आपके जो चैनल है उसके नाम का सेम कस्टम URL ले रखा है, और उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा चेंज करके कस्टम URL ले रखा है, इसलिए उनके जो चैनल है वो सर्च में आते हैं आपका। लेकिन कस्टम URL दोबारा से क्रिएट करने के बाद आ गए, नंबर और लेटर ऐड करने के बावजूद भी सर्च में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड ये सवाल उठता है कि हम जब भी अपने चैनल का नाम चेंज करेंगे तो क्या हमारा जो चैनल है उससे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या नाम चेंज करने के बाद भी सर्च में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको पांचवा सोल्यूशन यह बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड जब भी आप अपना चैनल, जब भी आप चैनल का अपना नाम चेंज करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर अपने चैनल का सबसे पहले जो भी आप चैनल का नाम रखेंगे वो सबसे यूनिक होना चाहिए। उस चैनल के नाम से या तो कोशिश करें कि कोई भी चैनल ना हो, अगर है भी तो थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना है, ताकि आपका जो चैनल का नाम है वो यूनिक लगे। उस चैनल का नाम रखने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमर क्रिएट करना है। और आपको मैं छठा सोल्यूशन बताना ये चाहूँगा, मतलब जो सिक्स नंबर का सोल्यूशन है वो ये है कि आप जब भी अपना चैनल का नाम रखते हैं, तो सबसे पहले आप उस चैनल को अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर सर्च कर लें कि उस नाम से कोई चैनल और तो नहीं है। अगर और है तो उसने कस्टम URL किस नाम से ले रखा है, जब भी आप मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा यहाँ पर। इस तरह से जो कस्टम URL है आपके चैनल के नाम की तरह सेम और किसी ने तो नहीं ले रखा है, अगर ले रखा है तो आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम चेंज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा यूनिक और कर लेना चाहिए, और यहाँ पर आपको इस तरह से देख लेना है। तो फ्रेंड ठीक है, ये आपका छठा सोल्यूशन हो गया। और इसके बाद फ्रेंड और बहुत सारे सोल्यूशन हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी में बताऊंगा तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको लास्ट सोल्यूशन बताता हूं जो कि मेन और इम्पोर्टेंट है। जब भी आप अपने चैनल का नाम चेंज करते हैं, तो नाम चेंज करने के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो भी अगर आपको नहीं पता है, अगर आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, और अभी तक वीडियो मैंने बनाया नहीं, लेकिन आपके लिए मैं सेपरेट बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए आगे, क्या क्या करना होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी आपको यहाँ पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अगर आपके काम का हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो की तरह। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।